हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ 94। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रेलवे साइंस की बुक का दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ये बुक दोस्तों रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे 91 से 115 तक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। इसके पीछे का क्वेश्चन दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में करा दिया है। आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे चौथा दिन होगा दोस्तों, इसी बुक का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 91 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्रति सेकंड कंपनों अथवा दोलनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रति सेकंड कंपनों और दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आवृत्ति। आवृत्ति आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 92 नंबर का, संवेग द्रव्यमान तथा वेग निम्नलिखित रूप से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होता है? तो ये होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, संवेग परिवर्तन बराबर होता है। बताइए संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आवेग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी, आवेग संवेग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेग की परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्वरण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 95 नंबर का, यहाँ पे दे रखा है संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है बल के समानुपाती होता है। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती किसके होता है? तो ये होता है बल के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? तो आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? तो ये परिभाषित किया जाता है बल गुणे समय। बल गुणे समय ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संवेग की एक माप है। संवेग किसकी माप होता है? तो ये होता है गति की मात्रा का संवेग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जड़त्व आघूर्ण के कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो ये होता है टार्क। टार्क आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 99 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? इस ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी कच्ची अवधि के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, दिया है उछाल। 100 नंबर का है, उछाल सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का आश्रय किस वैज्ञानिक को है? तो किस वैज्ञानिक को है? तो ये है आक्रमणीज को है। आक्रमणीज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
आक्रमणिज का नियम, आक्रमणिज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है प्लवन का नियम से। प्लवन का नियम आक्रमणिज के नियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, आपेक्षिक के सामान्य सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था तो कौन था? वह था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 103 नंबर का, दिया है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसके माप का पता चलता है? किसके माप का पता चलता है? तो ये पता चलता है संवेग का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये किसका है? तो ये होता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। हर क्रिया के समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, तो यह न्यूटन की गति का तीसरे नियम के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण के ब्राह्मणी नियम के आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक कौन है गुरुत्वाकर्षण के? तो ये है न्यूटन। न्यूटन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अगर डुबाया जाता है तो वह एक ऊर्ध्वाधर दिशी बल का अनुभव करता है जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ये सिद्धांत कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आक्रमणिज सिद्धांत। आक्रमणिज का सिद्धांत कहलाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का आपका दे रखा है। 107 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम है का यहाँ पे दिया है, किससे है? तो ये है जड़त्व से, ये है जड़ता से। जड़ता आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, किसने कहा एक पिंड विराम अवस्था में है तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता हो? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता हो? ये किसने कहा था? तो ये कहा था न्यूटन ने। न्यूटन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, बताइए भाप के इंजन का आविष्कार कौन है? तो ये है जेम्स वाट। जेम्स वाट द्वारा किया गया था भाप के इंजन का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो ये मिलती है बल की परिभाषा मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा की मात्रा एवं दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये कौन सा आधारित नहीं है? तो ये है पुली। पुली आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम द्वारा दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान कीजिए? तो ये होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का है, दिया है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो ये जो तैरती है आक्रमणिज के सिद्धांत के अनुसार
तैरती है, आत्मनिष्ठ के सिद्धांत के नियम के अनुसार तैरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो ये करता है गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर का क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। दिया है क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो ये बचाता है संवेग के संरक्षण के कारण, संवेग के संरक्षण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।